If I'll recall, last class मैंने तुम्हें तीन core concept बताया। पहला core concept था कि एक solenoid के आमने सामने अगर magnet नाचता है तो solenoid deflection दिखाता है। जी सर। ठीक है, ये पहला core concept था। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था कि जब भी वो मूव कर रहा है then only the EMF is getting produced, otherwise not। ठीक है ना। दूसरा हमने पढ़ा था कोर कॉन्सेप्ट, पहले इसके बारे में पढ़ा था हमने। सेकंड हमने पढ़ा था ये ईएमएफ का क्वांटिटेटिव वैल्यू, ईएमएफ केम आउट टू बी डी फाई बाई डी टी माइनस साइन के साथ। ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा था वो था माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। और तीसरा था तुम्हारा लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या बोलता है? इट अपोजेस मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो, लेंजेस लॉ स्टेट्स दैट Lenz's law states that the EMF Lenz's apostrophe S. Lenz's law states that the EMF will be produced in such a way, in such a direction which tends to oppose, the EMF will be produced in such a direction which tends to oppose the cause, which tends to oppose the cause of its production. Oppose the cause of its production. EMF उस direction में induce होगा जो EMF पैदा करने वाले को oppose करेगा. The EMF will be induced in such a direction which tends to oppose the cause of its production. ठीक है, तो ये लेंजेस लॉ था। ये तीन चीज सीखा था हमने लास्ट टाइम। ठीक है, और ये जो फाई है, ये फाई क्या है बॉस? ये फाई बी है। मैंने फिर से इसको फाई लिख दिया, मेरा आदत हो गया है, अब क्या करूं। ठीक है, दिस इज फाई बी एक्चुअली। मुझे एक बात बताओ, पहले लेंजेस लॉ से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो क्रॉस है, ठीक है ना। यहां पे एक आर्बिटरी वायर है, ये वायर क्लोज लूप है, ठीक है ना, आर्बिटरी शेप का। तू जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसाने का कोशिश करेगा तो इसमें करंट कैसा पैदा होगा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सौभागिनी पलाई, यू देयर इन द क्लास? यस सर। बता तो, गेस कर, गेस कर। ये ऐसा नहीं है कि इसमें सही है, सही होगा गलत होगा, हम इंटेलिजेंट गेस करेंगे, बेकार वाला गेस नहीं। जब ये अंदर घुसेगा ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसको अपोज करेगा। ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड इन सच ए वे दैट उसको अंदर घुसने नहीं देंगे। स्टेटमेंट वन। इतना सबको समझ में आया? देखो, हम लोग यहाँ पे क्यों हैं आज? आखिर आप लोग आज क्लास ज्वाइन क्यों किए हो? 65 बच्चे क्लास ज्वाइन किए हैं, 20 बच्चे अभी भी नहीं किए, ठीक है ना। अगर तुम्हें जो है क्लास में सीखना नहीं है तो क्यों ज्वाइन किए? Take a leave, otherwise सीखते हैं कुछ। You have an option, ठीक है ना आयुष्टास? क्या है कि ये एक लूप है, ये लूप को मैं अंदर ला रहा हूं। पता है जब मैं इसे अंदर लाऊंगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लाता रहता, इसको यहां से यहां लाने में जितना ताकत लगता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसको लाने में ज्यादा ताकत लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वन। मेरे को मालूम चल गया कि अंदर घुसने से मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा, ठीक है ना। अब एक बात समझो, बैटरी का प्लस माइनस अगर इस तरीके का सिस्टम होता है तो ईएमएफ एड अप होता है या सब्ट्रैक्ट होता है? एड अप मतलब सपोर्ट सम। Yes. ठीक है ना, ऐसा वाला अपोज। अब मैं इसी चीज को लॉजिकली बोलूंगा, नॉर्थ साउथ।
अगर तुम ये पैटर्न बनाओगे, ये मतलब सपोर्टिंग पैटर्न, तुम ये पैटर्न बनाओगे तो ये कैसा पैटर्न है? अपोजिंग पैटर्न है, ठीक है ना। घुसने के टाइम में कौन सा पैटर्न क्रिएट होना चाहिए, सपोर्टिंग या अपोजिंग? सपोर्ट, सपोर्ट घुसने नहीं देगा। देखो ये अट्रैक्टिव है, वो रिपल्सिव है, इसका और एक नाम लिख देता हूं, अट्रैक्टिव, इसका नाम लिख देता हूं रिपल्सिव, चलेगा? इतना तो ब्रेन मानता है ना, तुम्हारा ब्रेन भी एग्री करता है कि सपोर्ट मतलब अट्रैक्ट हो रहा है और अपोज मतलब रिपेल हो रहा है। अब तुम्हें ध्यान होगा, जब मैंने लास्ट क्लास तुम्हें इसके बारे में पढ़ाया था, आई अज्यूम कि तुम्हें ध्यान होगा, जब सामने आता था तो अपोज करता था, चल निकल, अपोज करता था, और जब दूर जाता था तब अट्रैक्ट करता था, आ जा, ठीक है ना, क्योंकि वो हमेशा क्या करता है, हमेशा कॉज को अपोज करता है, कॉज आ रहा है तो आने नहीं देगा, जा रहा है तो जाने नहीं देगा। तो ये आ रहा है, इसको अंदर आने नहीं देगा, अंदर आने नहीं देगा मतलब इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। कल को अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है तो इसको निकलने नहीं देगा, तो क्या करेगा फिर, अट्रैक्ट करेगा। मतलब अभी अंदर घुसने वाला सिचुएशन में क्या होगा, अभी रिपेल होगा, ठीक है ना। और कभी अगर इसको अंदर घुसा दिए हो तुम, अब इसको बाहर निकाल दे हो, ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। प्लीज ध्यान दीजिए, अगर कंफ्यूज हुए मतलब गलत आंसर, क्योंकि दो ही आंसर थे इसका, ठीक है ना। क्या आएगा अगर अंदर घुस रहा है, मैं पूछ रहा हूँ करंट कैसे पैदा होगा, द आंसर वुड बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इफ यू आर कंफ्यूज्ड यू विल एंड अप विद द रॉन्ग आंसर, खत्म, ठीक है ना। तो क्लैरिटी होना जरूरी है, अदरवाइज बेकार है, पढ़ना ही इसको बेकार हो गया, ठीक है ना। और जो मैं पढ़ा रही हूँ तेरे एनसीईआरटी में, उल्टा पुलटा चक्कर से नहीं पढ़ना, ठीक है। ये बंदा घुस रहा है, ये बंदा निकल रहा है, निकलने वाला सिचुएशन को बाद में देखेंगे। मैंने जो है, मैंने अभी सौभागिनी से पूछा कि ये जब अंदर जाएगा तो अंदर जाने के टाइम में क्या होगा, मैंने पहला हिंट दिया, अंदर जाने के टाइम में ये अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है ना। मैंने दूसरा हिंट दिया, अंदर जाने नहीं देगा मतलब कौन सा सिस्टम, सपोर्टिंग वाला, अपोजिंग वाला, अपोजिंग वाला रिपल्सिव सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिपल्सिव सिस्टम आएगा। अब मैं पूरा पिक्चर को ऐसे ड्रॉ करता हूं, देखो मेरा पिक्चर में अगर ऐसे देखूं तो मेरे को कैसे दिख रहा है, ऐसे करके कॉइल दिख रहा है, ये कॉइल ऐसे दिख रहा है और मैग्नेटिक फील्ड मेरे को ऐसे दिख रहा है। ये पूरा पिक्चर को मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे मतलब मेरे भावनाओं को समझो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हारा ऐसे है, जब मैं इधर से देख रहा हूं और ऐसे देख रहा हूं, अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा और मेरा प्लेन ऐसे, तो पूरा सिचुएशन को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। आप भावनाओं को समझो प्लीज, नहीं समझ में आएगा तो बोलो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुमको ऐसा दिखेगा तो ये ये शेप तुमको कैसे दिखेगा, ये शेप तुमको ऐसे दिखेगा, मतलब तुमको उसका मोटाई दिखाई देगा, थिकनेस, ठीक है ना। अदरवाइज दैट इज अ फ्लैट इररेगुलर शेप, ठीक है ना। तो ये फ्लैट इररेगुलर शेप है, इसको अगर मैं ऐसे ऐसे शिफ्ट करूं तो उसका सिर्फ थिकनेस दिखाई देगा। यहाँ पे ये एक आर्बिटरी शेप है, ऐसा वाला शेप है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाता है भाई, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ, मतलब ये वाला पोल नॉर्थ साउथ, तेरे को रिपल्शन क्रिएट करना है तो कौन सा साइड क्या बनेगा, तेरे को रिपल्शन क्रिएट करना है कौन सा साइड क्या बनेगा, राइट वाला नॉर्थ, मैग्नेटिक, देख ये रिंग है, यहाँ पे एक रिंग रख दिया तू और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तुम उसमें रिंग को घुसाया, ठीक है, क्या बोला, इधर क्या बनना चाहिए, साउथ बनना चाहिए, नॉर्थ बनना चाहिए, क्यों, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्ट ही चलता है, चैलेंज देखो बच्चों, गुड, ठीक है ना। सिचुएशन कैसा, हाँ बोल सर, ये वाला थोड़ा फिर से समझाए, ऐसा नहीं आ रहा है वो, कैसे आप उसको टेढ़ा करके लगाए, वाला समझ में नहीं आ रहा भाई। देखो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर इमेजिनेशन, अरे बेशरम, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक रिंग रखा हूं मैं, तो ये जो है ये रिंग का मोटापा दिख रहा है, डो नॉट कंसिडर इट एज अ शेप। देख सिक्का है क्या तेरे पास, सिक्का है, ये जो है ये एक आर्बिटरी शेप है, लेकिन जब मैं इसको साइड से दिखाऊंगा तो तुमको इसका सिर्फ थिकनेस दिखता है,
ऐसे दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं, हाँ देख तुमको सिर्फ थिकनेस दिख रहा है, तो ये रिंग है, ये रिंग मतलब ये आर्बिटरी शेप है, सेम चीज है ये, कुछ अलग चीज नहीं है। तो सर इसको आप स्क्वायर क्यों बना दिया, सॉरी रेक्टेंगल क्यों बना दिया? अरे बेशरम ये रेक्टेंगल नहीं है, ये अभी भी यही है, तो ऐसा क्यों दिख रहा था? क्योंकि मैं पहले इसको ऐसे देख रहा था, अब मैं उसको ऐसे देख रहा हूं, तो उसका मोटाई दिख रहा है मेरे को बस, थिकनेस, ठीक है। तो जब इसको जो है इसको ऐसे करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर जाएगा वो ऐसे हो जाएगा ना, आप समझा? यस सर। इसके बदले मेरे को आइसक्रीम खिलाना होगा। हेलो सर। मर गया सर। अच्छा बोल सर, अगर वो सोलेनोइड और बार मैग्नेट का जो सिस्टम देखेंगे सर, क्या बोल रहे हैं कि अगर दूर जाएगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा और अंदर जाएगा तो रिपेल करेगा सर, सर क्या कोई ऐसा पोजीशन है जहां पे अट्रैक्ट भी ना हो और रिपेल भी ना हो? हाँ, जब जब वो खड़ा रहेगा तब तब ना अट्रैक्शन ना रिपल। अच्छा बेशरम। ओके सर। कल क्या सिखाया था? Only when the magnet will move, only when there is relative motion, magnet को रहने दे वो solenoid नाचेगा, तब भी, ठीक है ना? Only when there is relative motion, there would be change in flux. If there would be change in flux, EMF पैदा होगा। जी सर। क्या कोई ऐसा position है जहाँ पे attract भी नहीं करेगा, repel भी नहीं करेगा? हर एक position possible। कैसे सर, कैसे सर? जब movement ना हो। मूवमेंट होने से ही कुछ होने वाला है, अट्रैक्शन या रिपल्शन। मूवमेंट नहीं है, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, ठीक है ना? समझा छोटे? तो चल तुम आसानी से डिड्यूस कर लिया कि ये नॉर्थ वन है या साउथ वन, राइट? कोई दिक्कत हुआ? Yes. नहीं. अभी अगर मैं पूरा गेम को वापस इसमें ले आऊं तो मेरे को फ्रंट साइड क्या दिखेगा? ये पूरा जो सिचुएशन था मेरा, मैं उसको ऐसे पलटी कर दिया था, ऐसे पलटी। अभी मैं दोबारा इसको ऐसे पलटी कर दे रहा हूँ, सीधा ले आ रहा हूं, तो ये क्या दिखेगा? नॉर्थ। ये नॉर्थ दिखेगा। नॉर्थ मतलब ऐसे दिखाऊंगा? बेशरम, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ मत बोल। आगे से देखोगे तो नॉर्थ, अरे हम इधर से देख रहे हैं बेशरम, इधर से देख रहे हैं, आई मेरा ऐसा है, आंख मेरा ऐसा है। जब मैं नीचे वाला डायग्राम को देख रहा हूँ, माई व्यू इज लाइक दिस, और पूरा का पूरा सिचुएशन ऊपर में ऐसे बना है, माय व्यू इज लाइक दिस। अंडरस्टूड? हाँ सर। तो जब इधर से देख रहे हैं हमको नॉर्थ दिख रहा है बबू, आ वही सिचुएशन को हम दोबारा इससे बना दे रहे हैं, तो यही हुआ ना नॉर्थ। हाँ। नॉर्थ अगर होगा इसका मतलब अंदर घुसाने का टाइम में करंट कैसा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तुमको मालूम है घुसेगा तो घुसने नहीं देगा, ओपोज करेगा, ओपोज करेगा मतलब नॉर्थ की तरफ नॉर्थ होने, सीधा एंटी क्लॉकवाइज, इतना डिटेल में जाना नहीं। Oppose मतलब सेम पोलैरिटी, अट्रैक्ट मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी, ठीक है ना? अभी यहां पे मैं फटाफट देखो कैसे काम करता हूं। निकल रहा है, निकलने नहीं देगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इधर कौन सा पोल है? इधर है नॉर्थ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाते हैं, इधर है नॉर्थ, तो ये साउथ बन जाएगा, साउथ बन जाएगा ऐसे। करंट कैसे? ठीक है, टाइम नहीं लगेगा, इसको डिड्यूस जो है इसको डिड्यूस करने में 10 सेकंड में काम हो जाना चाहिए, ठीक है? हालांकि मुझे बताने में 15 मिनट लगा, वंस यू हैव लर्न यू कैन डू इट विद इन 10 सेकंड, ठीक है ना? पूरा का पूरा गेम बदल जाएगा अगर मैं क्रॉस को डॉट कर दूं, तो इसलिए मत समझ, ये मत याद रखना कि घुसने के टाइम में नॉर्थ, निकलने के टाइम में साउथ, ये गलत है, इस तरीके से याद नहीं रखना, ठीक है ना? क्योंकि घुसने के टाइम में और निकलने के टाइम में गेम उल्टा हो सकता है अगर बस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शिफ्ट हो जाए, राइट? तो मेरे को क्या याद रखना है? अपोज का मतलब सेम पोलैरिटीज फेस टू फेस, अट्रैक्ट का मतलब ऑपोजिट पोलैरिटीज फेस टू फेस, खत्म, ठीक है? और अगर क्रॉस है तो नॉर्थ बाहर की तरफ है, तो इसके फेस में कौन सा फेस दिखेगा? साउथ दिखेगा, दैट विल बी काइंड ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना? जमा
अरे बेशरम, देखो हाँ बोलने वाले में बच्चे मुझे मिल जाएंगे, ना बोलने वाले बच्चे नहीं मिलते। जमा नहीं जमा तो मुंह खोल के बोलो, नहीं तो क्यों पढ़ने आए। उससे अच्छा तुम आराम से जो है पोगो देख सकते थे, पोगो या अभी क्या चलता है क्लैश ऑफ क्लैंस खेल सकते थे। आजकल बच्चे लोग कार्टून देखते हैं, छोड़ दिया ना, बड़े हो गए ना, देखते हैं सर, देखते हैं सर, देखते हैं सर। यस सर, मेरे टाइम में बचपन में ना सिर्फ मेरे पापा जो है, मेरे पापा केबल नहीं लगाए थे घर, मेरे घर में सिर्फ एक ही आता था दूरदर्शन, दूसरा आता था डीडी मेट्रो, उसमें 4 से 5 कार्टून देता था। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, ठीक है, 4 से 4:30 आता था डोनाल्ड डक, और 4:30 से 5 आता था, क्या आता था भूल गया, शक्तिमान, शक्तिमान तो वो कार्टून नहीं है ना, एक आता था डोनाल्ड डक, नहीं सर सर उसका तो ऐसा कोई एनिमेटेड सीरीज था शक्तिमान का, पता नहीं, और एक कार्टून कुछ था मेरे दिमाग से उतर जा, बहुत पहले देखा करता था, ठीक है ना, आई एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ दैट, ठीक है ना, क्योंकि और था नहीं। फिर उसके बाद जो उसके बाद पोकेमोन आया, फिर बेब्लेड आया, ये सब जो है ये सब डीडी मेट्रो दूरदर्शन में नहीं दिखाता था, और मेरे सारे स्कूल के दोस्त लोग पोकेमोन पोकेमोन, मैं सोचता था ये पोकेमोन है कौन। फिर मैं उनके घर में देखने जाने लगा, एक बार जब मैं तो, मतलब थोड़े दूर में थे, पड़ोस वाले नहीं, बहुत दूर में पड़ोस वाले, उनके घर जाने लगा, उनके घर में देखने लगा, एक दिन खूब गाली पड़ा मेरे को पापा से, उसके बाद वो भी देखना बंद। फिर मैं सोचा जब बड़ा होगा तो पक्का देखूंगा, रिकॉर्ड करके रखूंगा, ठीक है ना, अभी बड़ा तो हो गया लेकिन अब देखने का मन नहीं करता, ठीक है। व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर हियर, ये नोट्स बना लिया ना, क्लास में दो बच्चे बैठे हैं वो लोग बना रहे हैं, तुम लोग बना रहे थे सिचुएशन, वट इज द कोर पॉइंट, वट इज द कोर कंफ्यूजन, द कंफ्यूजन इज जब अंदर जाएगा तो नॉर्थ बनेगा, नहीं नहीं, द कंफ्यूजन इज रिपल्सिव बनेगा, जब अंदर जाएगा रिपेल करेगा, जब बाहर जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा। वट इज द साइन ऑफ रिपल्शन, वट हाउ मीन हाउ डू यू डिटरमाइन की इन विच डायरेक्शन करेंगे उसको, द साइन ऑफ रिपल्शन इज नॉर्थ विल फेस नॉर्थ, द साइन ऑफ अट्रैक्शन इज North will face south, south will face north, vice versa, ठीक है ना, क्या बोला, अगर ये पूरा गेम डॉट में बन जाएगा तो ये एस बन जाएगा, ये एन बन जाएगा उल्टा, ठीक है ना, इसको अपने भाषा में लिखोगे, मतलब लिख लियो, नहीं समझ में आया है तो बोलना है, और बोलोगे नहीं तो क्या कर रहे हो अपने, नहीं आया सर, नहीं आया, नहीं, नहीं आया, बता सर, वो जो क्रॉस होने से सर जो इनवर्ट जा रहा है तो फिर उसके उससे सर नॉर्थ कैसे बन रहा है सर, बोला थोड़ा मुझे बता, बेशरम नॉर्थ नॉर्थ रिपेल ईच अदर, ये आता है तेरे को सर, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल ईच अदर, ये आता है तेरे को, हाँ सर, बस तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो ये कौन है, हवा में कौन है, मतलब बोर्ड के इस साइड नॉर्थ है और बोर्ड के उस साइड साउथ है, हाँ सर, तो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ बनेगा ना, ये जो रिंग है ये रिंग में इधर नॉर्थ दिखेगा और रिंग के पीछे साइड जो है साउथ दिखेगा, पीछे साइड बोलने का मतलब है अगर कोई दूसरा रूम से उधर से इस बोर्ड को देखता है तो, अगर ये कांच का बोर्ड है तुम इधर से देखोगे तो तुमको नॉर्थ दिखेगा और कांच के उस साइड से देखोगे तो तुमको साउथ दिखेगा, क्यों नॉर्थ दिखेगा, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल ईच अदर, समझा, यस यस, एक बात बता मेरे को, अब तो पकड़ा गया है, एक बात बता मेरे को, 3 बार पूछने के बाद तू बोलेगा नहीं समझ में आया सर, आया सर, देख रहा है, तुम अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना नहीं आया सर, उस टाइम नहीं आ रहा था ना, तो मैं पूछा तब तू जाके बोला, बोला नहीं पूछता तो बोलता भी नहीं, 2 बार साल सर तो बोला था, बोला था क्या बच्चों, बताओ तो तुम लोग, ये 2 बार बोला था क्या नहीं समझ में आया बोल के, अरे कोई विटनेस हो यार, इतने लोग विटनेस हो, बोला था, बोला था, यस सर, बोला था, सब 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 तुम लोग सब धोखाधड़ी कर रहे हो, सही बोला, शायद बोला, भाई मैं बोला विटनेस हो और आप भी प्रेजेंस कर रहे हो, हम सच के पीछे हैं, तुम सच के नहीं, तुम झूठ के पीछे हो, बोला था, बोला था क्या, विटनेस आप विटनेस के प्रश्न, राजप्रतीक तो बच गया, झूठ बोल रहे हो आप, अकेले सच, राजपतिक तू बच गया, तेरे पीछे इतने लोग खड़े हो गए, मैं अकेला,
एड़ा जिबाना सर कंधा मिल जाएगा सर उन्हें आप अकेले ही तो वोट सर आइसक्रीम दीजिए सर आइसक्रीम लेने से मेरे पीछे आ जाओगे सर लच्छा पराठा भी लच्छा पराठा खाने के लिए मैं तो बोल रहा हूँ कौन आ रहा है अभी कोचिंग सेंटर बताओ मैं ऑर्डर कर रहा हूँ होम डिलीवरी थे सर अभी बोले नहीं सर मैं तो बोला तुम लोग को रुको मैं बोला ना रुको बोल के सर आप लास्ट मिनट टाइम चेंज करते एक्चुअली मैं डीपीएस गया और डीपीएस से 7:30 तक मैं रिटर्न नहीं कर पाया इसलिए मैंने लास्ट मिनट टाइम चेंज किया ठीक है और राधर जब मैं यहाँ आके देखा तब भी बच्चे एग्जाम दे रहे थे बेशरम ठीक है ना तो फिर इसमें जो है इसमें मैं क्या करता ये विधि का विधान था मेरे हाथ में नहीं था ठीक है नेक्स्ट सैटरडे शाम को 8 बजे फिर से क्लास करूंगा उस दिन लच्छा पराठा जो जो आएंगे तो उनको लच्छा पनीर रोल खिलाऊंगा सर फिर उसके संडे होगा तो फिर देखेंगे डन तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया कि करंट कब क्लॉकवाइज इंड्यूस होता है कब एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होता है ठीक है इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या रह गया इसमें माइनस d5/dt पहला चीज जो इस चैप्टर में तुम्हें सीखना है ये ईएमएफ का फॉर्मूला दूसरा जो है दूसरा लेंजर्स लॉ का कॉन्सेप्ट तुम खुद अपने आप से पूछो कि यार ये दोनों तुम्हें आता है और आज मैंने तुम्हें तीसरा कॉन्सेप्ट सिखाया ठीक है ना कि डायरेक्शन ऑफ करंट ठीक है ना और इसमें हम क्या यूज किए द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंजर्स लॉ इटसेल्फ वाज यूज ठीक है ना तो लेंजर्स लॉ का कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने डिटरमाइन किया कि डायरेक्शन कैसा होगा अब हम आ रहे हैं इस चैप्टर के हार्ट में जैसे मैं बताया था ना इलेक्ट्रिसिटी का हार्ट कौन है किरचॉफ लॉ ठीक है ना आमने सामने है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेट ईएमएफ पोटेंशियल पैरामीटर और द हार्ट इज किरचॉफ ठीक है ना दिल है ऐसा नहीं है कि लीवर के बिना काम नहीं करेगा फिर भी हम क्या बोलते हैं अच्छा जी सर वीडियो फ्रीज हो गया था बीच में अभी ठीक है ऐसा नहीं है कि शरीर में हार्ट के बिना शरीर काम नहीं करेगा फिर भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हम लोग बोलते हैं ना हार्ट काइंड ऑफ ब्रेन है ना जितने हार्ट वाले लोग सब निकम्मे नालायक होते हैं जिसके पास ब्रेन है ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी ठीक है ना बिना हार्ट का जो है बिना हार्ट का बॉडी चल जाएगा ब्रेन के बिना नहीं चलेगा देखो तुम लोग को एक ये क्या है तुम्हारा ये तुम्हारा एक रेलिंग है यहाँ पे क्या कर दिया मैंने एक रजिस्टर लगा दिया इसका नाम है आर आर सॉरी इसका वैल्यू है आर ये रेलिंग है रेलिंग मतलब रेल का पटरी जैसे फिक्स रहता है वैसे ही ये दोनों जो है ये दोनों रॉड है जो फिक्स है इसमें एक रजिस्टर फिक्स है अभी रेल का पटरी में कौन लुढ़कता है रेल लुढ़कता है रेल मतलब ट्रेन लुढ़कता है वैसे ही इस पटरी में अपन एक रॉड को रख देगा और ये रॉड एक पतला सा रॉड अपन एक रॉड को रख देगा और इसको लुढ़काएगा ये क्या होगा रॉड रॉड फिसलेगा कौन सी बड़ी बात है सर रॉड फिसलने से कुछ होगा कि करंट पैदा होगा कुछ नहीं होने वाला रॉड को तुम कांस्टेंट वेलोसिटी दे दे अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है कांस्टेंट वेलोसिटी उसको लाइफ लॉन्ग आगे चल जाएगा ठीक है इधर कांस्टेंट वेलोसिटी दे देते हैं तुम इधर कांस्टेंट वेलोसिटी दे दे ये लाइफ लॉन्ग आगे चल जाएगा ठीक है ना सो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस द रॉड विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी नो मैटर व्हाट लेकिन 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 पूरा गेम बदल जाएगा अगर तुम ये पूरा सिचुएशन को जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दे ये है तुम्हारा एक मैग्नेटिक फील्ड भावनाओं को समझो ये दोनों क्रॉस को मैं हटा देता हूं ठीक है ये क्या है पूरा सिचुएशन जो है मैग्नेटिक फील्ड में अभी मैग्नेटिक फील्ड में अगर तू इसको लुढ़काएगा ना तो टेंशन की बात कैसा टेंशन की बात है तुम पहले इसको कांस्टेंट वेलोसिटी दिया था कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल लिया था ना
अब अगर तुम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी देगा तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से निकलेगा, ये थोड़ा दूर जाके रुक जाएगा। कैसे सर, फ्रिक्शन है क्या? नहीं, नो फ्रिक्शन। देखो गेम कैसे बदलता है, पहले जो है आइडियल सिचुएशन, इसको तो कांस्टेंट वेलोसिटी से लाइफ लॉन्ग कांस्टेंट वेलोसिटी से रेल में आगे चल जाए। खाली अगर पूरा सिचुएशन को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, अब तुम कांस्टेंट वेलोसिटी देगा ना, तो लाइफ लॉन्ग आगे नहीं जाएगा, थोड़ा दूर जाके रुक जाए। क्यों लेंजेस लो, लेंजेस और क्या, लेंजेस हर चीज में, लेंजेस सही है, गलत नहीं है, ठीक है ना, हर चीज में लेंजेस लॉ नहीं लगे, सही है, बेशक सही है। देखो अट्रैक्ट करेगा उसको, ये जब मूव कर रहा है ना, ये फ्लक्स को काट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को काटना इज फ्लक्स, ठीक है ना। एक सर्कल से अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड पार करेगा तो क्या है, सर्कल से मैग्नेटिक फील्ड जो पार हो रहा है दैट इज कांस्टेंट, राइट। लेकिन अगर तुम सर्कल को ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर देगा, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होता था, सर्कल घूम रहा है, मैं ही घूम रहा हूं, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और ये हो गया बाबा तुम्हारा सर्कल। जब सर्कल ऐसा शेप लिया, सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड पार हुआ क्या? आपको नहीं पार हो रहा। जब सर्कल ऐसा शेप लिया, पार हो रहा है, फिर ऐसा शेप लिया, पार नहीं हो रहा है। तो तुम अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी बॉडी को गोल घुमाते हो, यू आर ऑलवेज चेंजिंग फ्लक्स, इसीलिए वहां से करंट पैदा होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेशन, वाइज चेंज ऑफ फ्लक्स। तो तुम वहां पे गोल घुमाने का काम कर रहे हो, हम लोग आगे चल के गोल घुमाएंगे, लेकिन पहले सीधा घूम लेते। जब जब फ्लक्स को काटोगे, फ्लक्स को काटोगे, ठीक है ना, तब तब ईएमएफ पैदा होगा। क्या ये सर्कल अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो फ्लक्स को काट रहा है? नहीं, काट नहीं रहा है, फ्लक्स उससे पार हो रहा है, मैं मानता हूँ फ्लक्स को काट नहीं रहा है। अगर तुम ये जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, तुम सर्कल को ऐसा 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 करोगे, तो वो क्या कर रहा है, बार बार फ्लक्स को काट रहा है। तुम सर्कल को ऐसा ऐसा मत करो, तुम सर्कल को गोल घुमा दो, ठीक है ना। ये सर्कल अगर गोल घूम रहा है तब भी वो फ्लक्स को काट रहा है। जब जब फ्लक्स को काटोगे, फ्लक्स को काटना का मतलब चेंज इन फ्लक्स, और जहां चेंज इन फ्लक्स वहां ईएमएफ, ठीक है ना। तो चेंज इन फ्लक्स जहां होगा वहां पे ईएमएफ होगा। ध्यान दिया था लास्ट टाइम भी मैंने इस पॉइंट पे स्ट्रेस किया था कि चेंज इन फ्लक्स इज इंपॉर्टेंट, नॉट फ्लक्स। इसमें से फ्लक्स जा रहा है, लेकिन ये सर्कल ऐसे ही पड़ा रहेगा, करंट पैदा नहीं होगा। ये सर्कल को गोल घुमाना शुरू कर दो, करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और कैसे करंट पैदा हो जा रहा है? बिकॉज जब तुम उसको गोल घुमा रहे हो, तुमको ताकत डालना होगा, अपने आप आराम से गोल नहीं घूमेगा, उसमें ताकत डालना होगा। ताकत डालोगे तभी वो गोल घूमेगा, और तेरा ताकत जो तुम डालोगे वो ताकत एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में बाहर निकलेगा। आई रिपीटेड दिस लास्ट टाइम ऑल्सो, नाउ ऑल्सो आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, ठीक है ना। तो यहां पर भी जब ये रॉड आगे जाएगा, क्या लगता है ये मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब ऐसा है, ऐसा 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 अंदर की तरफ जा रहा है, और ये रॉड ऐसा करके काट के निकल जाएगा। तो जब रॉड जो है मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा, मीन इट इज कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मीन ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। और जहां पर भी फ्लक्स का गेम, जहां पर भी ईएमएफ का गेम, वहां लंजेस आ जाता है मुंह उठा के। अच्छा तुम ऐसे भागेगा, मैं भागने नहीं दूंगा, राइट। तुम्हें अपने जीवन में लंजेस को फॉलो नहीं करना है, तुमको पता होना चाहिए कि लंजेस को फॉलो करने वाले व्यक्ति जो है गंदे इंसान होते हैं। मम्मी बोलेंगे कि कोचिंग जाना है, मतलब जाना है, ठीक है ना, मत बोलना कि नहीं जाऊंगा। मम्मी बोलेगी ऑफलाइन एग्जाम देना है, ऑफलाइन एग्जाम देना है, मत बोलना कि नहीं दूंगा। योगेश सर बोलेंगे यहाँ आके एग्जाम दो, तो यहाँ आके एग्जाम देना है, मत बोलना कि नहीं दूंगा। यू आर नॉट लेंजेस, राइट, यू शुड नॉट बी फॉलोइंग लेंजेस। चलो तुमको मैंने यहाँ पे ये बता दिया, क्या बता दिया, कि ईएमएफ पैदा होगा। कितना पैदा होगा ये तो नहीं बताया, जानना है कितना पैदा होगा। इससे पहले कि मैं तुमको बताऊं कि ईएमएफ कितना पैदा होगा, लेट्स डाइव इन टू एक कोर कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट जो है। यहां आने से पहले एक दूसरे कॉन्सेप्ट को विजिट करें, वो कॉन्सेप्ट विजिट करने का मतलब वो तुम्हारा आंखें खुल जाएगा, ऐसा माय गॉड सर आप तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, ऐसा फीलिंग आएगा, ठीक है ना। तो वो कोई भारी कॉन्सेप्ट है सर, बहुत डीप है क्या, एनसीईआरटी में है, बहुत ज्यादा डिटेल में डेरिवेशन कुछ नहीं है नालायक, जस्ट चार लाइन एंड गेम खत्म, बहुत सस्ता चीज है, दो मिनट लूंगा उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का। चलो मेरे साथ रहना, मुझे छोड़ के मत जाना।
ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर मैं इधर वेलोसिटी दूंगा, मेरे को बस बता दे उस इलेक्ट्रॉन को फोर्स किधर लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स लास्ट चैप्टर में सिखाया था, एफ इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू बी क्रॉस बी, इफ विल बी पुटिंग दिस दैन द वेलोसिटी डायरेक्शन इज देयर, मैग्नेटिक डायरेक्शन इज देयर, द फोर्स एक्सपीरियंस इज ऊपर, राइट? चलो मेरे साथ रहना, मुझे छोड़ के मत जाना, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं है, मीन अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहा, सुनना अच्छे से, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, तुम सुनना अच्छे से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहा तो पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, इट डिपेंड्स, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर तुम ऐसे मारा तो मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें ले चलूंगा, चलो ये क्या बना दिया सर, ये रॉड बना दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन रॉड के अंदर भी रहता है, ठीक है ना? अब अगर तुम रॉड को ढकेलोगे, रॉड को अगर तुम ढकेलोगे आगे, तो रॉड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होगा, सारा प्रोटॉन बोलेगा हम इधर जा रहे हैं, मानोगे? यस, और सारा इलेक्ट्रॉन बोलेगा हम इधर जा रहे हैं, इससे आगे तो और जा ही नहीं सकते ना, निकल में ना लाए, कॉर्नर पहुंच गए, तुमको समझ में आया कि रॉड को अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो, तुम रॉड को अगर तुम मूव कराए, कहाँ पे मूव कराए, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, तो चार्ज सेपरेशन भी लॉक कर, चार्ज सेपरेशन इटसेल्फ इज ईएमएफ, अगर ये रॉड में इधर नेगेटिव चार्ज पूरा आ गया है, इधर पॉजिटिव चार्ज पूरा आ गया है, तुम एक बल्ब लगा दे, ये बल्ब जलने लगेगा, क्यों? क्योंकि ये चार्ज उधर भागना चाहता है, जगह नहीं मिल रहा है, ये नेगेटिव चार्ज भागना चाहता है, जगह नहीं मिल रहा है, तुम जो है तुम बल्ब लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज निकल के नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हर पल तुम भगाते रहो, हर पल चार्ज सेपरेट होता रहेगा, हर पल चार्ज बल्ब से गुजरता रहेगा, हर पल बल्ब ग्लो करता रहेगा, मस्त चीज है ना जी सर, यस सर, हाँ चाचा बोल सर, ऐसे अलग मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन होने से ही ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, in fact the body is always neutral, theek hai, the body is always neutral not because the charge is zero, because net charge is zero, dekh dono mein antar hai, net charge zero bol dene ka matlab kya hota hai, positive and negative charges are equal, theek hai na, to kabhi bhi ek positive upar gaya to guarantee hai ki ek negative bhi niche gaya, कभी पॉजिटिव और नेगेटिव का काउंट अनइक्वल नहीं होगा, ठीक है, और जब यहां से एक पॉजिटिव कम जाएगा तो यहां से एक नेगेटिव भी कम जाएगा, अब उसको तुम जो सेंस में लो, कि पॉजिटिव आके नेगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज हुआ या नेगेटिव जाके पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज हुआ, रियलिटी में क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते, नेगेटिव मूव करता है, ठीक है, दैट इज द रियलिटी, बट स्टिल वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है ना, तो वो फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किधर मूव किया, लेकिन काउंट सेम रहेगा, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन राम आशीष? यस सर, सर बीच में क्या गैप रहेगा, वो दोनों के बीच में, कौन दोनों के बीच में सर, पॉजिटिव और नेगेटिव जब अलाइन हो जाएंगे मतलब पूरा उसके टॉप और बॉटम में आ जाएंगे, बीच में खाली रहेगा, बीच में खाली नहीं रहेगा, तुमको क्यों लग रहा है कि बीच में खाली रहेगा, बीच में अभी भी चार्जेस है जो जाना चाहते हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिलता, यू सी द सिचुएशन इज लाइक यहाँ पे पूरा का पूरा गाड़ी पड़ा हुआ है ट्रैफिक, लेकिन इधर और इधर ट्रैफिक जाम है, ये दोनों दरवाजा, यहाँ पे सारा गाड़ी हॉर्न मार रहा है, अरे निकलो रे हमें भी जाने दो, इधर भी सारा गाड़ी हॉर्न मार रहा है, अरे निकलो रे हमें भी जाने दो, लेकिन पूरा का पूरा रास्ता जाम, ठीक है ना, तो सब अलाइन रहेंगे लेकिन वो नहीं, लेकिन जैसे ही ये निकल लिया वो निकल लिया वो लोग आ जाएंगे, ठीक है ना, समझा? यस सर, असल में देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको वायर को ऐसे नहीं लगा के ऐसे लगा देंगे इन दोनों पॉइंट में, तो मत सोचना कि तुम्हारा बल्ब नहीं ग्लो करेगा, अब भी बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि तेरे क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूं ना, बीचों बीच इस साइड पूरा पॉजिटिव है, हाँ इधर ज्यादा धक्का महसूस हो रहा है, इधर कम धक्का महसूस हो रहा है,
दरवाजे के सामने जो इंसान रहता है पीछे के सब कोई उसको धक्का मारते हैं तो उसको ज्यादा तकलीफ होगा ना, और जो दरवाजे के एंड में जो इंसान है उसको तो ज्यादा धक्का नहीं फील हो रहा है, ठीक है ना। ज्यादा धक्का किसको फील होगा? अभी यहाँ पे अगर मारपीट हो रहा है एक आदमी के ऊपर, एक आदमी के ऊपर एक आदमी गिर रहा है, तो जो सबसे नीचे गिरा हुआ नालायक है उसको ना ज्यादा तकलीफ होगा, सबको मेरे ऊपर चढ़ गए हैं वो, तो सबसे ज्यादा धक्का इसको फील होता है। अगर तुम ये दोनों एंड्स में कनेक्ट करोगे तो ज्यादा ईएमएफ मिलेगा, ये सामने सामने कनेक्ट करोगे तो कम ईएमएफ मिलेगा, क्योंकि इधर के लोग उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, ये दोनों इस साइड के लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे आपके, ठीक है ना। पूरा पार्टिसिपेशन किसका हो रहा है? इतना लेंथ का हो रहा है। अंडरस्टूड राम आशीष? सर ग्लो तो सर बोल रहे, ग्लो तो करना चाहिए थोड़ा सा। मैं कब बोला ग्लो नहीं करेगा? मैं तो बोला ना करेगा ग्लो। अरे मैं नहीं बोला हूँ कि ग्लो नहीं करेगा, मैं बोल रहा हूँ अब भी ग्लो करेगा लेकिन अब डिम होगा, अब ये मैं उतना ज्यादा नहीं यूज कर पा रहा है, ठीक है ना। आई नेवर सेड कि ग्लो नहीं करेगा, ऐसा कुछ बोला क्या बच्चों में क्लास में? गलती से बोल दिया क्या? नो सर। कुमार तो एक तो कान के नीचे एक लाफा लगा, तेरा सॉरी नहीं चाहिए मेरे को, आइसक्रीम खिला देना सॉरी के बाद। अच्छा पराठा खिला दीजिए, मैं आइसक्रीम खिला दूंगा। ये लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया सर, रिकॉर्डिंग है ना? रिकॉर्डिंग थोड़ी भेजूंगा तेरे को, रिकॉर्डिंग चाहिए बेशक। क्लास आया था एग्जाम में तेरा नाम लिखने के बावजूद? पापा मना किए। पापा नहीं, पापा मैं कुछ बोलने वाला था ब्रह्मास्त्र, लेकिन सिर्फ पापा है ना, पापा को ऐसे कैसे बोल सकते, बच्चों को बोल ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करके। यू सी, ये अगर एक वेलोसिटी वी से जा रहा है, ठीक है ना, तुमने अभी क्या कैलकुलेट किया? तुमने अभी फोर्स कैलकुलेट किया। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन व्हाटएवर? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी चार्ज इज क्यू बी वी, ठीक है इतना। यस सर। कोई तकलीफ है इसमें? नो सर। यहां पर और यहां पर चार्ज सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन कहीं पर भी रहता है। ये एरिया क्या था? ये एरिया पॉजिटिव था, ये एरिया नेगेटिव था। चार्ज सेपरेशन कहीं पर भी रहता है, दैट क्रिएट ईएमएफ। ईएमएफ हाँ, ईएमएफ भी, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाहता था, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। चार्ज सेपरेशन विल ऑलवेज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, ठीक है ना। कितना आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, डन। और फोर्स आया है तुम्हारा क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई। What is the electric field between them? VB. This is an important thing. ठीक है ना? Rather I would say electric field is V cross B. That is the best expression I can write. क्योंकि force का actual formula क्या है? Q V cross B. Q Q कट जाएगा तो इन दोनों charges के बीच में electric field कितना पैदा होगा? V cross B. अगर electric field इतना पैदा हुआ, भाई voltage और electric field में क्या relation? माइनस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। तो अगर मैं ई के जगह लिख सकता हूँ, ये एक फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, हम आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज बाय लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। वी को मैंने टिल्ड कर दिया क्योंकि इधर पोटेंशियल डिफरेंस और इधर वेलोसिटी, तो यहां से तुम्हारा वोल्टेज कितना आ रहा है? वोल्टेज बोलो, इसको ईएमएफ लिख देते हैं। EMF, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज कितना आ रहा है? V क्रॉस B इनटू L, ये क्रॉस नहीं है, राइट। तो EMF पैदा जो हुआ वो हुआ BLV, द फॉर्मूला इज, हम लोग जनरली इसको BLV पढ़ते हैं, ठीक है ना, कुछ बुक्स में VBLV पढ़ोगे, VBL इज नॉट रॉन्ग। तो EMF प्रोडक्शन द फॉर्मूला इज गिवन बाय V क्रॉस B इनटू L। कोई तकलीफ नहीं? राइट, लिखो लिखो, अंग्रेजी में लिखो, ये नोट्स बना के लिख लो, दिस वुड सर्व इंपॉर्टेंट।
ये डायग्राम बनाओ, सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ, दिस डायग्राम, ये वाला सर। टॉपिक का नाम लिखना है, टॉपिक का नाम इमोशनल ईएमएफ, MOTIONAL, इमोशनल, इमोशनल ईएमएफ। अरे उसको मैं बोला था 8:30, अभी 8:53 हो रहा है, कहाँ है? ऐसा तो नहीं है खाली बना के रख दिया है, नहीं बना। इमोशनल ईएमएफ वो डायग्राम बना, नहीं नहीं सिर्फ कोना वाला, बीच वाला डायग्राम, सिर्फ कॉर्नर वाला डायग्राम बना और रॉड बना, लिखना मत कुछ, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वगैरह लिखना मत, डायग्राम बना। सो वही पहले डायग्राम बनाना। सब बना लिया आगे, आगे लिखा हूँ मैंने, रुको ना थोड़ा। चलो इमोशनल ईएमएफ लिख लिए। इफ ए चार्ज इज गिवन ए वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इफ ए चार्ज इज गिवन ए वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इफ ए चार्ज इज गिवन ए वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, charge not rod, if a charge is given a velocity in direction perpendicular to magnetic field, it experiences a force, it experiences a force in a direction perpendicular to both v and b perpendicular to both v and b, it experiences a force in a direction perpendicular to both v and b, full stop. Now consider the same situation but the charge is now confined in a rod ke andar charge hai, theek hai na. Now consider the same situation but the charge is now confined in a rod. Now consider the same situation but the charge is now confined in a rod, full stop. In this scenario, say confined in a rod laga hai na, rod banaya na humne diagram mein, ji sir, full stop. In this scenario we will observe that if a rod is moved with a velocity v, we will observe that if rod will move with a velocity v, if rod will move with a velocity v, then charge separation will occur and then charge separation will occur and the two different corners and
the two different corners of rod and the two different corners of rod will acquire equal and opposite polarities. And the two different corners of rod will acquire equal and opposite polarities. Ek side positive ban jayega, ek side negative ban jayega. Full stop. This in turn will create electric field. Full stop. This in turn will create electric field. This in turn will create electric field along the rod. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है अमित? नॉर्थ टू साउथ. एक लापा दूंगा बेचारा. मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ टू साउथ. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर मैं तुमको जस्ट पूछू तो तुम बोलोगे कि ऊपर से नीचे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना? तो चलो, वो पूछने का दरकार नहीं है. फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेट अप अक्रॉस द रॉड. लिखे हो ना? ठीक है ना? तो उसके बाद लिखो F इज इक्वल टू क्यू ई. क्योंकि F क्या होगा? F होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और हम फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू ई चैप्टर 1 से जानते हैं. तो F इज इक्वल टू क्यू ई, फिर पूरा का पूरा लिख दो. तो EMF कितना पैदा हो रहा है, वोल्टेज कितना पैदा हो रहा है, BLV. एंड क्रॉस याद रखना, V क्रॉस B इंटू L. VBL बोलो उसको. EMF पैदा हो रहा है VBL. हो गया रे. और कितना टाइम लगा? 36 नहीं, पक्का? ठीक है, ठीक. बच्चों को भूख लग रहा है यहाँ पे, इसलिए बोले ना सर कि आप सर इधर भी भूख लग रहा है सर. कौन तुम लोग? कौन हो भाई तुम लोग? भूखे मरोगे तो मैं ताली बजाऊंगा, तुम्हें नहीं पता क्या? सर ऐसे मत बोलिए. यही है कि हंसी. तुम लोग को भूख लग रहा है इडियट? मेरे को नहीं पता क्या? तुम लोग आराम से घर में पॉपकॉर्न खा खा के क्लास कर रहे हो. मूवी थोड़ी चल रही है अभी तो. हम वीडियो तो क्लास ही कर रहे हैं सर. तुम्हारा जीवन पूरा कचड़ा हो गया है ना काली? हाँ सर. थोड़ा एक दो दिन छुट्टी मिलेगा तो ठीक हो सकता है सर. हाँ कल दिया ना छुट्टी? तो अभी क्या कर रहे? कल सुबह क्लास नहीं है ना, कल तो छुट्टी दिया. पर क्या चाहिए? लंबा छुट्टी सर, मतलब लंबा छुट्टी चाहिए. अच्छा काली से लंबा छुट्टी सर मत बोलिए. 12 के बाद मिलेगा. 12 के बाद तो पक्का मिलेगा. मैं थोड़ी झूठ बोल रहा हूँ सर. कल केमिस्ट्री क्लास होगा क्या? सब होगा, ओनली फिजिक्स नहीं होगा. क्योंकि ये बच्चे जो है कल सुबह क्रिकेट खेलने का प्लान किए, तो मैं जो हूँ मैं भी खुश होकर इनका रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया कि जाओ खेलो कल सुबह. केमिस्ट्री निगम सर वाला केमिस्ट्री शायद नहीं होगा, इट डिपेंड. लेकिन सूरत सर का केमिस्ट्री तो होगा. अच्छा ठीक है ना, मतलब अपना छुट्टी है, निगम सर लेंगे हमारा. नहीं नहीं, अपने से ठीक है. अगर अभी रातों रात सूरज सर मैसेज करते हैं कि आई विल टेक योर क्लास, तब तुम क्या करेंगे? खत्म हो गया सर. खत्म और क्या? क्योंकि कल सुबह जो है ना, कल सुबह 11 वालों का क्लास नहीं रहता, तो सूरज सर इज एनी वे फ्री. नहीं तो मैं बोलता हूँ सर को पर्सनली क्लास लेने को. सर कितना क्लास करेंगे सर? आप भी एक दो दिन लीजिए. मैं तुम लोग को पक्का, मैं सिलेबस खत्म हो जाने के बाद तुम्हें पक्का एक हफ्ते का छुट्टी दूंगा. उसमें सर होगा 400. इतना बुरा इंसान नहीं समझो यार मेरे को. 400 क्वेश्चन तुमको कभी आज तक 400 दिया हो? बता. हाँ सर. 250 दिया. 250 क्वेश्चन दिया, 400 नहीं दिया हूँ यार. ऐसे मत बोलिए, बहुत बड़ा आरोप है मेरे. वही तो सर, छुट्टी तो मिलता ही नहीं अपने को. मिलेगा छुट्टी मिलेगा बच्चों, ऐसा नहीं है. ठीक है, तुम जितना छुट्टी मांगोगे मैं उतना दूंगा. एक बार 12 खत्म हो जाए पक्का वादा.
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ईएमएफ का फॉर्मूला तुमने क्या निकाला, वी क्रॉस बी इंटू एल, ठीक है ना। यही ईएमएफ का फॉर्मूला तो अभी मैं दूसरे तरीके से निकालूंगा, जो तरीके से मैं निकाला हूं ना ये प्रो लेवल का तरीका है जो एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, और अभी जिस तरीके से निकालूंगा ये तरीका तुम्हारा एनसीईआरटी में है। अगर कल को तुम्हारा एमसीक्यू की जगह थ्योरी एग्जाम होता ना तो ये डेरिवेशन याद रखना जरूरी रहता जो अभी मैं करने वाला हूं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि तुम्हें डेरिवेशन याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ाई का तो जरूरत है ना भाई। देखो, अगर तुम एक रेलिंग में इसको ऐसे मूव करेगा, ठीक है ना, तुम इसको ऐसे मूव करेगा, मान लो थोड़ा देर में यहां पहुंच गया, ठीक है ना। तुम इसको मूव करने के लिए क्या किया होगा, वेलोसिटी दिया होगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूंगा जब तुम फोर्स देगा ना, तो जनरली फोर्स क्या पैदा करता है, एक्सीलरेशन। बट ऐसे केसेस में फोर्स पैदा करता है कांस्टेंट वेलोसिटी, मींस जीरो एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि एक ऑपोजिंग फोर्स है। कौन है ऑपोजिंग फोर्स? लेंजर्स लॉ बोला है ना, ऑपोज करेंगे, ठीक है ना। तो लेंजर्स लॉ जो है एक ऑपोजिंग फोर्स क्रिएट करता है, तो तुमको जो है तुमको उस फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाना होगा, ठीक है। तो तुमको इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, दिस इज एस एक्सटर्नल, एंड द फोर्स शुड बी अप्लाइड इन सच ए मैनर दैट द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये केस क्या, ये केस में भी इफ यू वांट टू मूव द रॉड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी यू नीड टू अप्लाई ए फोर्स। पॉकेट में वो मूव नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। पहले जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, तुम रॉड को मार के छोड़ दो, इट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन अब जो है रॉड को मार के छोड़ने से वो थोड़ा दूर जाकर रुक जाएगा, चाहे ये सिचुएशन हो ये सिचुएशन, ठीक है ना। अब अगर तुमको रॉड को मूव कराना है तो तुमको कंसिस्टेंटली फोर्स डालना होगा। फोर्स मतलब खींचते रहा बेटा, खींचते रहा, लाइफ टाइम खींचते रहा, उसको बोलेंगे फोर्स। और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक बार धक्का मार के छोड़ दो तो कांस्टेंट वेलोसिटी जाता है, ठीक है। तो दोनों अंतर अलग चीज है। सो यू नीड टू अप्लाई ए फोर्स इन ऑर्डर टू मूव दिस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यार एक बात बताओ, इन टाइम टी द डिस्टेंस कवर्ड इज हाउ मच, लेट्स से द टाइम इन टाइम टी द डिस्टेंस कवर्ड इज, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करके दे सकते हो क्या, इतना टैलेंट है तुम्हारे पास, बताओ तो एक्स टी और वी में क्या रिलेशन आएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। मैं बोलता हूं कि पहले फ्लक्स जितना भी होगा पता नहीं, अभी क्योंकि यहां तक चला गया वो कितना एक्स्ट्रा फ्लक्स को काटा, दिस एरिया एक्स, ठीक है ना। नाउ अंडरस्टैंड दिस, मेरे साथ रहो, सुनो अच्छे से, ठीक है ना। अगर मैं तुमको इस क्वेश्चन में पूछूं व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सिस्टम, नहीं बता सकते। इस क्वेश्चन में अगर मैं तुमको पूछूं व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सर्कल, तुम बता सकते हो। क्यों? क्योंकि सर्कल एक क्लोज सिस्टम है, द एरिया ऑफ द सर्कल इन द मैग्नेटिक फील्ड इज द आंसर, राइट। ये तो क्लोज्ड सिस्टम नहीं है, एक सिंपल रॉड है। जैसे इसमें फ्लक्स क्या बताओगे, अगर ये रॉड आगे जा रहा है तो फ्लक्स कुछ बता पाओ, नहीं बता पाओ। एक रेलिंग डाल दिया हो तो मत समझो कि ये तुम्हारा फ्लक्स है, मतलब ये एरिया को लोगे तुम फ्लक्स, तुम इसमें फ्लक्स नहीं निकाल सकते। बट हाँ, तुम चेंज इन फ्लक्स निकाल सकते। पहले जितना भी था सर, मान लेते हैं कि पहले इतना था, तो अब कितना हो गया, इतना हो गया, इतना बड़ा एरिया हो गया ना। तो व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स में कौन सा एरिया इन्वॉल्व रहेगा, ये वाला एरिया चेंज इन फ्लक्स में इन्वॉल्व रहेगा। इतना समझ में आया तो आगे बढ़ूंगा, नहीं आया तो बोलो। यस, ठीक है ना। तुम फ्लक्स नहीं निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि तुम मत सोचो कि ये वाला एरिया इज द इनिशियल फ्लक्स, ये सोचना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर रॉड तो बिना रेलिंग का भी मूव कर सकता है, उसमें फ्लक्स कहां निकल सकता है, नहीं निकल सकता, ठीक है ना। यू कैनॉट कैलकुलेट फ्लक्स हियर, और रादर मेरे को जो काम करना है उसमें मेरे को फ्लक्स का जरूरत भी नहीं है, मेरे को चेंज इन फ्लक्स का जरूरत है, ठीक है ना। तो हाउ टू कैलकुलेट द चेंज इन फ्लक्स, अगर मैं पहले फ्लक्स को जो भी मानू अभी फ्लक्स उससे इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया, तो दिस एक्सैक्टली इज द चेंज। एनीवन जिसको नहीं समझ में आया रेज हैंड। अरे बोल, क्या नहीं समझ में आया, मतलब भाई जब मैं पूछूंगा तब तुम लोग बोलोगे, यार खराब लगता है।
अरे बोलो बेशरम कुछ तो बोलो सर, इनिशियल और फाइनल प्लस कैसे लिए? इनिशियल नहीं लिया मैं, फाइनल भी नहीं लिया मैं, बोला कि मेरे को इनिशियल, आई कैन नॉट फाइंड आउट इनिशियल प्लस, आई कैन नॉट फाइंड आउट फाइनल प्लस, आई कैन ओनली फाइंड आउट चेंज इन प्लस इन दिस सिचुएशन। हियर ऑल्सो आई कैन ओनली फाइंड चेंज इन फ्लक्स, अगर ये थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है तो जितना मैग्नेटिक फील्ड को काट रहा है उतना ही फ्लक्स काट रहा है। यू कैनॉट कैलकुलेट इनिशियल फ्लक्स, डोंट थिंक इनिशियल फ्लक्स इज दिस एरिया इन टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज रॉन्ग। दिस इज, अगर चल फिर भी अगर मैं मान लेता हूं कि दिस इज द एरिया फॉर इनिशियल फ्लक्स एंड दिस इज द एरिया फॉर फाइनल फ्लक्स, देन व्हाट इज चेंज, दिस एरिया इज द चेंज। तुम इनिशियल फ्लक्स को जितना भी ले लो फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल माइनस फाइनल तो हमेशा इतना ही आएगा ना, इस एरिया के इक्विवेलेंट। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन आशीष? बेशरम समझा कि नहीं सर? मतलब चेंज, चेंज मतलब वही बोलेंगे कि जितना एरिया वो कवर किया, जितना एरिया वो काटा, कवर मतलब मैं काटा बोलूंगा, मैं तुम कवर टर्म यूज कर, मैं काटने का टर्म यूज कर। और आयुषी एंड अंकिता और क्या नहीं समझे? आयुष और अंकिता क्या नहीं समझे? यही वाला था। अब समझ में आया है? अब भी नहीं आया? तो व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स? चेंज इन फ्लक्स में अगर मैं तुम्हें बोलूंगा, यहाँ पे ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, डिराइव कर दे रहा हूँ, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इन टू कौन सा एरिया भाई? ये वाला एरिया राइट, ये एरिया को तुम लिखोगे, डिस्टेंस है x और यहां से यहां तक का लेंथ को l मान लेते हैं, xl इज द एरिया, दिस इज चेंज इन फ्लक्स। ईएमएफ क्या होता है भाई? ईएमएफ होता है ना तुम्हारा d phi by dt, मतलब डेल्टा phi by डेल्टा t, मतलब bxl by t। अभी x by t क्या पैदा करेगा? v माइनस साइन होता है, मैं माइनस साइन को अभी मेंशन नहीं किया हूं क्योंकि बस मैं बताना चाह रहा हूं कि ईएमएफ इज बीइंग प्रोड्यूस, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो। देखो तो सेम आया, ठीक है ना? मैंने एक बार जो है, एक बार कौन से कॉन्सेप्ट से निकाला? एफ इजिकल टू क्यू ई के कॉन्सेप्ट से निकाला, और एक बार जो है ईएमएफ इजिकल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी वाले कॉन्सेप्ट से निकाला, ठीक है ना? अंडर बोथ द सर्कमस्टेंसेस द एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ दैट यू हैव गॉट इज बीएलबी, ठीक है ना? बट यहाँ पे स्केलर वर्जन नहीं निकला है, यहाँ पे जो है यहाँ पे उसका प्रॉपर वर्जन निकला है, ठीक है? लेकिन सर ईएमएफ तो डॉट प्रोडक्ट, मतलब ईएमएफ तो स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टर का क्रॉस करोगे तो क्या फायदा होगा? वेक्टर, एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फायदा होगा? अरे आई कैप में अगर फाइव मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मल्टीप्लाई क्या होगा? फाइव आई ना, एक वेक्टर से अगर एक स्केलर पैदा मल्टीप्लाई करोगे तो फिर एक वेक्टर पैदा होगा, बट आई नो की एलएचएस स्केलर। अब मेरे को लॉजिक लगा के बता, अगर तीनों का तीनों निकम्मा वेक्टर है, यहाँ पे क्या करने से स्केलर इज इक्वल टू स्केलर बन सकता है? डॉट प्रोडक्ट, एग्जैक्टली। बी क्रॉस बी करोगे, एक वेक्टर पैदा हुआ, एक वेक्टर को दूसरे के साथ डॉट के स्केलर बन गया, दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है ना? यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्रेशन निकला है, जबकि इतना एनसीईआरटी एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, एनसीईआरटी डायरेक्टली बोलता है कि बच्चों को पढ़ा दो ईएमएफ इज इक्वल टू बीबीएल, ठीक है ना? तो ये तरीका जो है, ये तरीका तुम्हारे डेरिवेशन के रूप में सर्व करता है, मतलब तीन मार्क का क्वेश्चन बनता है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में, थ्योरी डेरिवेशन, ठीक है ना? ईएमएफ इज इक्वल टू बीएलबी, ठीक है? राइट इट डाउन यहां से लेके यहां तक। सर माइनस साइन, माइनस साइन नहीं दिया मैं। अरे यार माइनस साइन क्या बताएगा? माइनस साइन सिर्फ ये बताएगा कि प्लस माइनस किधर है, ईएमएफ का पोटेंशियल किधर है। मैं अभी माइनस साइन के बारे में एक्सप्लोर करूंगा, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ एक साथ कैसे खिला पिला सकते हैं? थोड़ा थोड़ा रुको ना, धीरे धीरे करके खाएंगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? सर क्या मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखना है? बेशरम लिख चुके,
लिख लिए। अब मैं उस माइनस साइन के बारे में बात करूंगा। लिखो लिखो लिख लो आराम से, तुम्हारे लिख लेने के बाद मैं माइनस साइन के बारे में बात करूंगा। डन रिटर्न। एक बात बताओ यार, अब सर वो केस को छोड़ दीजिए, भूल जाइए ये केस जो है ना, इस केस को अभी तक अभी अपने दिमाग से निकालो, इस केस में फोकस करते हैं, ठीक है ना। ये x इक्वल टू vt, ये कचड़ा है, इसको मिटा दिया मैं, जो अच्छा चीज है उसको रहने दिया मैं, ये मैं आपका फॉर्मूला। एक बात बताओ यार, अगर ये रेलिंग ऐसे बहेगा, आगे बहेगा, अगर आगे बहता है, इसमें बेचारा कॉर्नर में जाके रह जा रहा था क्योंकि उसको और कोई जाने का जगह नहीं मिल रहा था। ये पूरा तो रॉड लोहा का बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या वो चार्जेस ऊपर नीचे जाके रुकेगा? रुकेगा भाई, वो बहेगा। तो ध्यान दो, स्टेटमेंट वन, EMF इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल, ठीक है ना। तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ वी क्रॉस बी को ब्रैकेट में, वो सिर्फ बीएलबी फॉर्मूला वाला रहेगा, क्रॉस डॉट वाला नहीं रहेगा, ठीक है। तो हो गया तुम्हारे ईएमएफ। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट इफ आई लॉस, आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो वी क्रॉस, अब फॉर्मूला तो मैं लिख दिया हूं ई में, अब यहां पर सिर्फ मैं बोलूंगा वी बी एल बाई आर, चलेगा, ठीक है ना। व्हाट इज द पावर दैट यू आर इन्वेस्टिंग, पावर का फॉर्मूला आता है, पावर का फॉर्मूला आता है तुम्हारा सर्किट में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। सर्किट में अगर इतना ईएमएफ पैदा हो रहा है तो सर्किट में इतना करंट जा रहा है, तो सर्किट में पावर कंजम्पशन इज ईआई। ईआई मतलब बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना, राइट। अभी पावर का एक फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। आइडियली तुम जितना एनर्जी खर्च कर रहे हो सारा एनर्जी तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इज दिस मच, इलेक्ट्रिकल पावर मीन योर पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, तुम जितना पावर दोगे उतना ही ना। तो पावर का एक्सप्रेशन लिख देना फोर्स इनटू वेलोसिटी, वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, एक एक वेलोसिटी कट जाएगा। तो व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स यू नीड टू अप्लाई, तुमको जो है इसको वी वेलोसिटी से मूव करने के लिए इतना फोर्स देना होगा। ध्यान रहे, ध्यान रहे, मैकेनिक्स में पढ़ते थे कि फोर्स डालने से एक्सीलरेशन पैदा होता है, मैकेनिक्स में पढ़ते थे, लेकिन मैग्नेटिज्म में तुमको ये देखने को मिल गया कि सर फोर्स डालने के बाद भी वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा है, एक्सीलरेशन पैदा ही नहीं हो रहा। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन जीरो, ठीक है ना। और मैं ये बता रहा हूं कि फोर्स डालने के बाद तुम वेलोसिटी कांस्टेंट भी रख सकते हो, वेरिएबल भी, कुछ भी कर सकते हो तुम। इसमें उसमें था फोर्स मतलब एक्सीलरेशन पक्का पैदा होगा, इसमें है फोर्स मतलब एक्सीलरेशन पैदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। अभी कौन सा टॉपिक पढ़ा हमने, फोर्स डालने के बाद एक्सीलरेशन पैदा नहीं हुआ, हमारे सिलेबस में वही है। हम ज्यादा फोर्स डालेंगे तो एक्सीलरेशन पैदा हो भी सकता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। माइंड माय स्टेटमेंट, मैंने फोर्स डाला फिर भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इन ऑर्डर टू मूव दिस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी आई नीड टू अप्लाई दिस मच ऑफ फोर्स। हैप्पी, चलो खत्म नहीं हुआ है गेम। देखिए अगर इस सर्किट में करंट बहेगा, ठीक है ना, अच्छा इसको लिखो पहले, राइट इट डाउन, ये सारा एक्सप्रेशन जो है, ये सारा फॉर्मूला तुम्हारे एनसीईआरटी में, ये सब तुम्हें याद करना है, ठीक है ना। हर एक फॉर्मूला से क्वेश्चन बनते हैं, इसको अब साफ कर दिया मैं।
जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। लिख लिए? लिख तो प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसे तो सोचा यहाँ पे होता, उसे तो सोचा यहाँ पे होता, सकी शक्ति महान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तुम दोनों रे लिखा विश्राम लिखता उसका नहीं है, खाली टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। गुड। चला यहाँ तक अपन ने बता दिया लास्ट टॉपिक, देन वी आर गुड टू गो, फिर हम लोग जा सकते हैं। एक बात बता यार, भावनाओं को समझो ना सर। अगर इस रेलिंग में जो है, इस रेलिंग में वायर मूव कर रहा है, स्टेटमेंट देखो कैसे फ्लो, वर्क फ्लो कैसे बना। सबसे पहले वायर मूव किया, अब ये फ्लो को पकड़ोगे ना तो तुम कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हो। कोर कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे हाथों में न्यूमेरिकल्स बना लोगे तो ठीक है ना। कोर कॉन्सेप्ट ये है कि सर जब ये मूव किया तो हर एक चार्जेस को फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, तो सबसे पहले चार्ज सेपरेशन हुआ। तो जैसे ही चार्ज सेपरेशन हुआ वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, क्योंकि चार्ज कहीं भी सेपरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है वहां वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करना शुरू किया पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे करके, क्योंकि मैंने वहां पर दिखा दिया ऐसे भागे हो तो ऐसे करके करंट फ्लो करना शुरू होगा ठीक है ना। अगर करंट फ्लो करना शुरू हुआ मतलब सर्किट कोई पावर कंज्यूम कर रहा है ठीक है ना। वायर में अगर इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है तो वायर में करंट कैसे फ्लो कर रहा है ठीक है ना। एक बात बताओ यार, अभी मैंने तुम्हें बताया है ये भी एक फॉर्मूला जिसको तुम लोग पहले यूज किया करते थे। अगर एक करंट कैरिंग वायर को तुम रखते हो कहां रखते हो, मैग्नेटिक, उसको फोर्स किधर लगेगा। ये करंट कैरिंग वायर बन गया, था नहीं कुछ, निकम्मा था, खाली बैठा हुआ था, तुम उसको मूव कराए तो वो करंट कैरिंग वायर बन गया, मैजिक। आई एल क्रॉस भी करो, इस वायर को किधर फोर्स लगेगा, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट को। नाउ यू गॉट द लॉजिक, यहां से तुमने कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ा। देखो पूरा का पूरा फ्लो हुआ, करंट बहा, करंट बहने की वजह से पावर कंज्यूम हुआ सर्किट में, लेकिन ये पावर आया कहां से, ये पावर कहां से आया, जैसे ही करंट बहाना वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बोला इसको, मैग्नेटिक फील्ड इसको फोर्स दिया, कितना फोर्स दिया मैग्नेटिक फील्ड इसको, आई एल बी, इधर आ ठीक है ना। तुमने जो है तुमने इधर फोर्स दिया, तुम कितना दोगे, तुमको बराबर मात्रा में फोर्स देना होगा। अगर बराबर मात्रा में फोर्स दोगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, नेट फोर्स जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट ठीक है ना। याद रखो जब तुम इसे खींच रहे हो यू आर डूइंग वर्क ठीक है ना, डूइंग वर्क अगेंस्ट विच फोर्स, डूइंग वर्क अगेंस्ट मैग्नेटिक फोर्स। वो कहां से आया, क्योंकि जब ये वायर निकलना है लेकिन जब ये मूव करता है तो चार्ज बहता है, चार्ज बहता है तो आई एल बी लगता है जो उसको अंदर लाता है। मैं बोल रहा था ना इससे पहले तुम्हें, थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इफ यू विल गिव इट अ वेलोसिटी वी, इट विल नॉट मूव, इट विल स्टॉप इवेंचुअली। व्हाई इट विल स्टॉप इवेंचुअली, क्योंकि जैसे ही इसको वेलोसिटी दोगे करंट बहेगा, आई एल बी लगेगा, आई एल बी से एक फोर्स लगेगा, रुक जा बेटा ठीक है ना। इसको उल्टा भी अगर तुम इसको इधर फोर्स दोगे तो आई एल बी इधर लगेगा, रोक देगा इसको फिर ठीक है ना। तो आई एल बी फोर्स उसको रोक देगा, तो इन ऑर्डर टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी यू नीड टू अप्लाई अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, एंड द फोर्स दैट यू मस्ट अप्लाई शुड बी इक्वल टू द इंटरनल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस मैच करने चाहिए तब जाके तेरा कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करे, नहीं तो चांस जमा। सर प्रसाद परीडा पेरेंट, बाद में फोन करूंगा, बोल रहे
सर अगर फोर्स हम लोग जो दे रहे हैं वो अगर ज्यादा हुआ या फिर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से अगर फोर्स ज्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन, तुम जो बोल रहा है ज्यादा कम अगर कभी भी फोर्स हुआ तो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है ना, लेकिन हम लोग उसके बारे में बहुत लेट से पढ़ेंगे अगर पढ़े भी। अभी का सिचुएशन के हिसाब से हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं जिसमें हम दोनों सेम फोर्स दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेम फोर्स देने से एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है और हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। अगर हम उल्टा पुल्टा फोर्स देंगे तो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इजी वाला बना लेते हैं ना, एक मेम भेजा था ना मैं, जेई मेन्स का क्वेश्चन देखना, एडवांस का मत देखना। यस सर, वो मैप मेम नहीं है, वो प्रैक्टिकल फीलिंग है, ठीक है ना, दैट इज नॉट ए मीम, दैट इज फीलिंग। ऐसा मैं राउरकेला साइन का पेज देख रहा था, वहां पे लिखा हुआ था राउरकेला इज नॉट ए मीम, इट्स ए फीलिंग। मैं बोला अरे बेशरम, ऐसा काय को टाइगर मारता है, मतलब गंदा लगता है सुन सुन के, क्या फीलिंग। उधर से कोई एक सुंदरगढ़ वाला लिखेगा सुंदरगढ़ इज नॉट ए मीम, इट्स ए फीलिंग। भाई इंडिया का हर स्टेट को फीलिंग ही बना दो, हर सिटी को। क्या बता रहा था मैं, मैं ये बता रहा था कि तुमको एक्सटर्नली उतना ही फोर्स देना होगा जितना इंटरनल फोर्स आएगा, ठीक है। तो वाई माइनस साइन इन लेंजेस लॉ, क्योंकि इट अपोजेस द कॉज, यू सी। तुम खींचे, दिस इज द कॉज, तो लेंजेस का फोर्स अंदर आएगा पक्का, इट विल अपोज इट, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा तेरा कॉस को वो अपोज कर रहा है, डायरेक्शन क्योंकि हमेशा उल्टा रहता है, इस वजह से हम लोग माइनस साइन पुट अप करते हैं, ठीक है। सिमरन सिंह क्यों फोन कर रही है, सिमरन हरे कृष्णा गई, अभी थोड़ी देर के बाद बोलेगी सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, और क्या बोलेगी जीवन। उसकी बहन है ऋषिता, तू है हरे कृष्णा। बच्चों एम आई ऑडिबल? यस सर। दोनों बहने नहीं है, उसका फोन आ रहा था, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग मांगेंगे, बोलेंगे हमारा नेट खत्म हो गया, डाटा खत्म हो गया, सैटरडे के दिन भी डाटा खत्म, इसको बोलते हैं टैलेंट, ठीक है। तो तुम्हें लेंजेस लॉ का माइनस साइन समझ में आया, क्यों? क्योंकि हमेशा कॉस को वो अपोज करता है, इसलिए लेंजेस लॉ में एक माइनस साइन पड़ा हुआ है। ये मैंने माइनस साइन का वर्बल मीनिंग बताया, भावनाएं बताए कि माइनस क्यों आया, उसका मैथमेटिकल मीनिंग जो है अगली क्लास में आगे चल के करेंगे। मैथमेटिकली वो माइनस साइन कैसा रोल प्ले करेगा, ठीक है, उसके बारे में अगले क्लास देखेंगे, चलेगा। ऐसे वो माइनस इतना बड़ा रोल प्ले भी नहीं करता है, छोटा मोटा रोल प्ले करता है, उसको इग्नोर भी कर सकते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। कोई सवाल है तो रुको, अदरवाइज आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ बोल सर, कल कितने बजे? 6 बजे ना? नहीं, तुमको क्या बोला था, तुम लावण्या सर को कन्विंस कर, गोपाल सर को कन्विंस कर, दोनों का तो बुखार है। गोपाल सर शायद ठीक नहीं होगा, गोपाल सर का थोड़ा ज्यादा ही बुखार है। लावण्या सर को मैं क्या कंडीशन रखा था, मैंने क्लियर कंडीशन रखा था बेशरम कि अगर लावण्या सर गोपाल सर को कन्विंस कर लोगे तब क्रिकेट खेलेंगे, नहीं तो मैं नहीं खेलने वाला। तुमने किया कन्विंस? अच्छा लावण्या सर को बोले आज नहीं किया। हाँ तो देखो सर से बात करो, सर अगर जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। गोपाल सर नहीं आएंगे? हाँ गोपाल सर तो नहीं आता ही, उनका बुखार है, कैसे आएंगे? सर सर कल नहीं है ना फिजिक्स क्लास? अरे अपन सर आई का डायरेक्शन, फिजिक्स नहीं है। हाँ बोला आई का डायरेक्शन सर ऐसे लिए हैं कि मतलब निकाले हैं। अरे बेश है ना, ये देखना सेम चीज है ना। यस सर, हाँ समझ गया। ऐसे ही कैसे ले लेंगे, फिजिक्स में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होता, सबके पीछे लॉजिक होता है। रिलेटिव वेलोसिटी,
चलो हरे कृष्णा सर। हाँ चाचे बुला रहे थे। नहीं नहीं तेरे को क्यों बुलाऊंगा मैं तो भूल गया था कि तू स्टूडेंट है कोचिंग की, अब भी आता है। अरे रिशिता भी है, रिशिता को मैं बुलाया तो नहीं था, बुलाया था क्या सर? मेरे को तीन चार लोग बोले। कहाँ गई थी रिशिता? मैं पढ़ाना बंद कर दिया, मेरे को जब पता चला कि तू क्लास में नहीं है मैं पढ़ाना बंद कर दिया, पता है? नहीं सर मेरे को नहीं पता सर, मेरा तबियत थोड़ा खराब हो गया है। अच्छा तो सिर्फ यही बोलने के लिए तो क्लास आई है? अरे नहीं सर, सर मैं एक्चुअली आपको कॉल की थी अभी। अभी तो सिमरन कॉल की थी, तू कहाँ कॉल की? सर मैं भी कॉल की थी। अच्छा सिमरन भी आ गई है, दोनों आ गए हैं क्लास में। हाँ सर सर एक प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ सर? मैं पहले बोली कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। मैं कहाँ गुस्सा करता हूँ, आज तक गुस्सा करते हुए देखे हो क्या मुझे? कभी कोई नहीं देखा है मेरे को आज तक। सर गुस्सा करने का कॉन्सिक्वेंसेस दिखता है लेकिन गुस्सा नहीं दिखता मेरे चेहरे में। मैं तो मारता भी हूँ तो हंसते हंसते मारता हूँ। सर हम लोग ना मतलब आज का टेस्ट के डर के मतलब चक्कर में हम लोग स्कूल का एग्जाम देना भूल गए। इसमें मेरा क्यों, मैं क्यों गुस्सा करूँ? मैं सिर कट गया है और नहीं मुझे। हाँ तो आज मैं हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि कल मेरे को प्रिंसिपल सर से कस के गाली पड़ा है और प्रिंसिपल सर बोले थे कि मतलब देखो तो संदीप सर परेशान होते हैं, संदीप सर मना किए, उसके बाद जो है संदीप सर मना करने के बाद जो है मैं गया प्रिंसिपल सर के पास, ठीक है ना? तो अब क्या होता है ना कि अगर मैं संदीप सर मेरे को मुंह में मना कर दिया, उसके बाद मैं प्रिंसिपल सर को बोला तो प्रिंसिपल सर जबरदस्ती किया संदीप सर को, तो संदीप सर ओपन कर दिया, तो अभी संदीप सर को ईगो हर्ट हुआ ना कि योगेश को मैं मना किया फिर भी योगेश अपना पावर पे ओपन करवा दिया। तो प्रिंसिपल सर ने कल मुझे क्लियरली बोल दिया कि मतलब अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे दो कि एक बार ऐसा हो जा रहा है लेकिन हम दोबारा नहीं करेंगे। और मैंने कल बोला कि हाँ सर हम भी मेक श्योर करते हैं कि और ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसके बाद जो है मैंने ग्रुप में मैसेज किया तुम्हें सर कि 9 o'clock तक ही पोर्टल रहता है, 9 o'clock के बाद नहीं रहता है पोर्टल, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अभी तुम मुझे बोलोगे कि जाके मैं अभी प्रिंसिपल सर को फिर से बोलो, प्रिंसिपल सर आज मेरे को भयंकर गाली करेंगे, भयंकर, ठीक है ना? और उसके बाद भी पोर्टल नहीं खोलेंगे। तो अगर तुम्हारा प्रॉब्लम है तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों आ रहा है मैं बता रहा हूँ, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम यू नो, मैं बता। हाँ सर बताइए। द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज यू पीपल आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट द स्कूल एग्जाम, यू पीपल आर नॉट एट ऑल सीरियस। सीरियसनेस लेवल अगर 1% होता तो याद रहता बेशरम। सर आपका क्लास था, दुख लगता मेरा क्लास था। यू सी इफ एवरीथिंग इज नोन कि मेरा क्लास है, मेरे क्लास से पहले कोचिंग सेंटर के एग्जाम है, इफ एवरीथिंग इज नोन यू विल बी अटेंडिंग दैट इन द मॉर्निंग, ठीक है ना? यू आर पुटिंग पढ़ना पड़ता है ऑफलाइन एग्जाम के लिए, ऑफलाइन एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है, एग्री। लेकिन उसके बाद यहाँ से एग्जाम देने के बाद सुन एग्जाम देने के बाद एक बार भी मेरे को बोली कि सर आप क्लास अभी जो है रख रहे हैं लेकिन अभी हमारा स्कूल एग्जाम है, हम लोग स्कूल एग्जाम दे दें क्या, या ऐसा कुछ भी? याद नहीं था ना, वही तो मैं बोला ना, व्हाट इज द कोर रीजन? याद नहीं था, व्हाट इज द कोर रीजन? सीरियस रहोगे तब तो याद रहेगा, ठीक है? अभी मुझे भी नहीं पता क्या करना है। एक्चुअली मैं सच बता रहा हूँ, आई वॉन्ट टू हेल्प लेकिन आज मैं हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि कल मैं गाली खाया हूँ, सच में गाली खाया हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? कल वो प्रतीक पात्रा हो गया, ये सौम्य रंजन हो गया और स्वस्तिक गुप्ता हो गया, ये तीनों कल एग्जाम नहीं दिए थे, ठीक है? कल मैं सर को फोन करवा के पोर्टल वगैरह खुलवाया और मुझे गाली पड़ा। अभी तुम्हें जो है कौन सा एग्जाम था आज? बायो। हाँ इग्नोर कर सकते हो, छोड़ दो। नहीं सर देखो मैं हेल्प करना चाहता हूँ बट आई कैनॉट हेल्प टुडे, और क्या करूँ मैं? तुम्हारे पास अभी ऑप्शन है, पहला बायो टीचर को कॉल कर सकते हो। सर वो तो नहीं सर वो बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ तो दूसरा ऑप्शन है तुम संदीप सर को कॉल कर सकते हो जहाँ से डिनायल ही मिलेगा, और तीसरा ऑप्शन है फोन नहीं उठाते। हाँ नहीं उठाते ऑब्वियसली, मेरा भी फोन नहीं उठाते हैं, मेरा फोन तभी उठाएंगे जब वो मुझे गाली देंगे या मना करेंगे, ठीक है? तो तीसरा ऑप्शन है तुम्हें प्रिंसिपल सर को फोन करना होगा, अगर तुम प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट करोगे तो सर मान जाएंगे, ठीक है? कंडीशंस अप्लाइड, माय नेम शुड नॉट बी टेकन, ठीक है ना? यू टॉक विथ हिम जस्ट एज अ जनरल स्टूडेंट ऑफ डीपीएस। परीक्षित का अगर आप प्रिविलेज लेना चाहोगे वहां पे तो प्रिंसिपल सर मेरे पे गुस्सा करेंगे, और मेरे पे गुस्सा करेंगे तो मैं तुम्हें दो पीस में काट के घर पैक करके भेज दूंगा।
ठीक है ना, डोंट यूज द प्रिविलेज, प्रिविलेज में प्रिविलेज अगर यूज करने की कोशिश करने में चाहोगे तब डिनायल आने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है. जस्ट टॉक एज अ सिंपल डीपीएस स्टूडेंट, सर मे एग्री, मे विल नहीं बोल रहा, दैट इज द ओनली ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद. कल मैं गाली खाया हूँ, आज तुम गाली खाओ, और क्या सर. लेकिन कुछ एग्जाम्स तो 10 बजे तक ओपन था. हाँ, मैंने कल भी मेंशन किया ना व्हाट्सएप ग्रुप में, मेंशन किया ना कि 9 बजे तक ओपन रहेगा. तुम्हें नोटिस क्या आया है, तुम्हें नोटिस में यही आया है ना, जो भी स्कूल के साइड से नोटिस आया है उसमें 9 o'clock लिखा हुआ है, कोई भी नोटिस में तो 10 o'clock नहीं लिखा हुआ है. तो अगर 9 o'clock नोटिस में लिखा हुआ है और 10 o'clock तक अगर वो ओपन रख रहे हैं तो वो उनका जेनरोसिटी है, बट यू मस्ट कंप्लीट इट बाय 9 o'clock. ठीक है ना, यू कैन नॉट ब्लेम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ना हो कि तो आप लोग जो है आप लोग पहले का एग्जाम 10 बजे तक खुला रखे थे, क्योंकि पेन पेपर में उन्होंने मेंशन किया है कि 9 बजे तक, देन यू शुड कंप्लीट इट बाय 9. फोटो खींच के भेजा कि नहीं रे सर, फोटो खींच के भेजा कि नहीं, ग्रुप में भेजा ना. वो नहीं भेजेगा फोटो, ऐसा मत सोचिए. अरे ऐसा क्या करते हैं सर. अरे तुम लोग के जीवन में सुख है, लेकिन दो लड़कियां अभी रो रही है. सर तो फिर जीरो आएगा ना उसमें. रो रहे सर. हाँ जीरो आएगा. प्रिंसिपल सर को बात करो, बात करो, कुछ हो सकता है. ठीक है सर. प्रिंसिपल सर का नंबर है, मैं भेज दूँ. नहीं सर है. सर 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 तन्वी मैम को बोलने से भी वो खोल देते हैं बोतल. बात करो, कल से ये लोग बात करते हैं. लास्ट टाइम मैं किया था तो खोल दिया था. वो तो इंग्लिश के लिए करेंगे ना. नहीं नहीं, सबके लिए. अच्छा ठीक है, उनसे बात करते हैं. अरे यार एक अच्छा रोल टेस्टी दिख रहा है यार. सर आप खा लीजिए, बट बोलिए मत कैसे दिख रहा है. अरे मैं नहीं खाऊंगा लेकिन बोल रहा हूँ. भावनाओं को समझो ना. सर हमारे भावनाओं को नहीं खाइए, बोलिए मत. लेकिन सर आप खिला तो नहीं रहे. मैं कब बोला मैं नहीं खिला रहा हूँ? तुमको कभी मना किया हूँ मैं? तुम रहते थे तुम्हें भी खिलाता. हाँ बिना पहले सर मस्त लग रहा ना. हाँ मेरे को भी पता है, सच्ची में बहुत बहुत टेस्टी लग रहा है. ओ थैंक यू. सर पार्सल होगा क्या? चलो हरे कृष्णा. हरे कृष्णा सर. हरे कृष्णा सर.